चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो धौलपुर जिले से आई है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि धौलपुर जिले के अंदर 75वें आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के आज शिक्षा विभाग की ओर से भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो दिखाते हैं इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर में आजादी के 75वें महोत्सव को लेकर के सोमवार यानी आज शिक्षा विभाग की ओर से जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिला मुख्यालय सहित कई उपखंड मुख्यालय पर स्कूली बच्चों के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, जिस कड़ी में सैपाऊ कस्बे में उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति प्रांगण से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक स्कूली छात्र छात्राओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने जोश और उत्साह पूर्वक भारत माता वंदे मातरम समेत देश के अमर शहीदों के नारे लगाए हैं। सैकड़ों की तादाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बच्चों में भारी उत्साह भी देखा गया है। SDM ललित मीणा ने बताया, आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और देश को आज़ाद कराने में हमारा अमर शहीदों का विशेष योगदान रहा था। शहीदों की शहादत को याद करने के लिए यह महोत्सव मनाया जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी को आज़ादी के मायने समझाए जाएंगे। युवा पीढ़ी को देश के अमर शहीदों के आदर्श व सिद्धांतों पर चलने की महती ज़रूरत भी है। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक सरकारी और निजी स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई गई। तैयारी में बच्चों की रैली निकाल रहे हैं, जिसमें सभी गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में रैली निकाल रहे हैं बच्चों को, और अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे बच्चे और माता पिता और सभी ग्रामवासी इसमें अधिक से अधिक उत्सव में भाग ले और सबके घरों पर तिरंगा पहनाया जाए। फिलहाल देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़18 के साथ। नमस्कार।